जिन लोगों ने अपना खून पसीना का पैसा इन्वेस्ट किया है, उनको थोड़ी थोड़ी भी रिलीफ मिलती जाए तो उनके आम जिंदगी की जरूरियात को पूरा कर सकते हैं। कोर्ट को अप्रोच करने के जितने फॉर्मेलिटीज हैं, और जैसे कोर्ट में जो डेट आएगा और अप्रूवल मिल जाएगा वो डिस्पर्स करना शुरू करेंगे 80 करोड़ रुपए के करीब जो आया कि हम अभी कोर्ट को अप्रोच करते हैं कि ये अमाउंट डिस्पर्स होना चाहिए, तो आईएमए विक्टिम्स के को मिलना चाहिए और इसको पॉजिटिवली हम रिस्पॉन्ड करेंगे। आज मैं आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जनाब आदित्य बिस्वास साहब से मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट मैंने उनसे की है, इल्तिजा की है कि पिछले दिनों आईएमए गोल्ड के जो का सोना और डायमंड्स का जो ऑक्शन हुआ और उसमें तकरीबन 75-80 करोड़ रुपए जो जमा हुए हैं उसको अब डिस्पर्स कर दिया जाए, क्योंकि पिछली बार जो पैसा जमा हुआ था 50,000 में जिसने इन्वेस्ट किया था उस पे उसमें उन लोगों को डिस्पर्स किया गया था। अब एक बहुत बड़े जिद्दोजहद के बाद, कोर्ट के क्लियरेंस के बाद, क्लेम्स के बाद, ऑक्शन करवाने के बाद गोल्ड और डायमंड अब एक माकूल रकम जमा हुई है 80 करोड़ रुपए के तकरीबन करीब। तो ये पैसा अगर विक्टिम्स को दे दिया जाए तो आज उनकी जो जरूरियात हैं, आज जिस तरीके से वो परेशान हैं, उनको अगर पार्ट रिलीफ भी थोड़ी बहुत भी रिलीफ मिले तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ये मेरे रिक्वेस्ट थी और ऑफिशियली मैंने लिखा भी और उनसे मैं मुलाकात भी मैंने की और ये भी बताया कि आपने बहुत जिद्दोजहद की है इस सब को करवा कर पैसा जमा करवाने में और आगे भी ये जिद्दोजहद जारी होनी चाहिए। और आज जो फंड जमा हुआ है, रिकवर हुआ है, इसको तो आप उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो मोहताज है और इसकी जरूरत रखते हैं। तो उन्होंने भी बात को पॉजिटिवली है माना है और उन्होंने कहा कि हम अभी कोर्ट को अप्रोच करते हैं कि ये अमाउंट डिस्पर्स होना चाहिए, आईएमए विक्टिम्स के को मिलना चाहिए और इसको पॉजिटिवली हम रिस्पॉन्ड करेंगे। कुछ आइडिया उन्होंने कहा कि कब तक कर सकते हैं, उम्मीद क्या? उन्होंने कहा कि इमीडिएटली अभी कोर्ट को अप्रोच किया जाएगा क्योंकि एक प्रोसेस है, डिस्पर्समेंट करते वक्त कोर्ट कि नोटिस को लाना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने अश्योर किया है कि अब जल्द से जल्द कोर्ट को एक ये पेश होगा, प्रपोजल पेश होगा कि ये पैसा विक्टिम्स को दिया जाएगा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि कल सुबह ही होगा कोर्ट को, अब इस हफ्ते में शायद उनको प्रिपेयर करना है कोर्ट को अप्रोच करने के जितने फॉर्मेलिटीज हैं, और जैसे ही कोर्ट में जो डेट आएगा और अप्रूवल मिल जाएगा वो डिस्पर्स करना शुरू करेंगे 80 करोड़ रुपए के करीब जो हमारा।